बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले विराट का आया हैरान कर देने वाला बयान, जिसने टीम इंडिया तो टीम इंडिया बांग्लादेश के खेमे में भी मचा दी खलबली। आखिर विराट की ऐसी भविष्यवाणी क्या वर्ल्ड कप में करने वाली है बड़ा उलटफेर? भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का मानना है कि वर्ल्ड कप में कोई बड़ी टीम नहीं है और इस टूर्नामेंट में जब लोग सिर्फ अधिक सफल टीमों की बात करते हैं तो उलटफेर की संभावना अधिक होती है। कोहली का यह बयान मौजूदा वर्ल्ड कप में दो उलटफेरों के बाद आया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में इंग्लैंड को 69 रनों से हराया, तो वहीं नीदरलैंड ने मंगलवार को धर्मशाला में बारिश से बाधित मैच में दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से हराकर इस खेल के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने मैच से पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन पर बातचीत की और मेगा इवेंट से पहले कहा, वर्ल्ड कप में कोई बड़ी टीमें नहीं है। जब भी आप केवल अधिक सफल टीमों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो निराशा होती है। कोहली ने कहा कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के खिलाफ सतर्क रहना होगा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने शाकिब के खिलाफ काफी खेला है, उनके पास अद्भुत नियंत्रण है, वे बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं, वे नई गेंद से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वे बल्लेबाजों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं और काफी किफायती रहते हैं। कोहली की बात गलत भी नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को और पिछले हफ्ते अफगानिस्तान ने गत चैंपियन इंग्लैंड को हराकर ये बात साफ कर दी है कि कोई भी टीम कम नहीं है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश का मुकाबला पुणे में खेला जाना है। टीम इंडिया अब तक खेले गए अपने तीनों मैचों को जीतकर अंक तालिका में सबसे ऊपर है, वहीं बांग्लादेश को तीन मैचों में सिर्फ एक ही मैच में जीत मिली है। भारतीय टीम ने जहां ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की, वहीं बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में अब तक भारत और बांग्लादेश का 4 बार आमना सामना हुआ है। टीम इंडिया ने 3 पर जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश ने 1 मैच जीता है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है। प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार पुणे में इस दिन बारिश की जरा भी आशंका नहीं है। दिन में गर्मी रहेगी और तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। तो आप भी विराट कोहली के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।